नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिलायंस पावर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने को मिल रहा है, काफी दिनों से लगातार गिरावट के बाद हमें इसमें फिर से एक तेजी का दौर इसमें देखने को मिल रहा है और काफी अच्छी इसने हमें कुछ दिनों में तेजी दिखाई है। लेकिन आज के दिन हमें फिर से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और क्लोजिंग हमें इसमें लोअर सर्किट के साथ देखने को मिली है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इसमें जो ये हमें गिरावट आज देखने को मिली है, ये गिरावट आपको इसी प्रकार से कब तक देखने को मिल सकती है। जो लोग भी इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो लोग अपने इसमें नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो लोग कौन से लेवल पे अपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन सा लेवल बेस्ट इसका बाइंग करने के लिए रहने वाला है, इसके आगे के कौन से जो है टारगेट रहेंगे और आगे आपको कैसे इसमें अपनी नेक्स्ट मूव लेनी चाहिए, और जो लोग भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और जिनको इन्वेस्ट करना है वो लोग कौन से लेवल पर बाई करें आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। और साथ में आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जुड़ सकते हैं, इसमें आपको फ्री में इंट्राडे की ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ये सारी सुविधा आपको हम इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप पेंडिंग स्टॉक ट्रेड करते हैं या आप जो है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में, तो ये सारी सुविधा आपको मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज पे नहीं करना। ग्रुप की जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, उस पर क्लिक करें और ग्रुप की लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, कैसे कि हमें ट्रेड देखने को मिली है अपना रिलायंस पावर में आज के दिन। तो अगर आप आज के स्काल देखें तो हमें इसमें ओपनिंग 16.55 रुपये पर देखने को मिली थी, और उसके बाद देखिए इसने अपना 70 रुपये का हाई भी टच किया था, देखिए काफ़ी अच्छी हमें तेजी देखने को मिली थी मतलब। और उसके देखिए क्या हुआ, हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और प्रॉफिट बुकिंग बाद देखिए काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है इसमें, फिर देखिए सोचा इसने तेजी दिखाई थी बीच में, और लेकिन क्योंकि सेलिंग प्रेशर में काफ़ी आज देखने को मिला इस अपने पर्टिकुलर शेयर में रिलायंस पावर में, तो क्या हुआ इसमें गिरावट आई फिर से, और क्लोजिंग फाइनली हमें क्या हुआ इसमें लोअर सर्किट के साथ देखने को आज मिल रही है। 4.91% की गिरावट हमें आज देखने को मिली है, और अब ये शेयर देखिए ऑलमोस्ट 15.50 रुपये पर जो है पहुंच चुका है। बात करें 1 वीक में, तो 1 वीक में ऑलमोस्ट 13.14% की हमें तेजी देखने को मिली है, लगभग 1.80 रुपये की तेजी हमें अभी तक एक हफ्ते में देखने को मिल चुकी है, और 1 मंथ में लगभग देखें तो इसमें 21.09% की हमें तेजी देखने को मिली है, मतलब कि एक महीने में इसने काफ़ी अच्छा देखें तो पैसा बना के दिखाया है। और जो गिरावट आई थी, जो अपनी जो खबर आई थी कि ये कंपनी इंसॉल्वेंसी की कगार पे पहुंचने वाली है, पीएनएम ग्रुप इन पर केस करने वाला है, और जैसे ही वो खबर थोड़ा ठंडी पड़ी और उस खबर की ठंडी पड़ती ऑपरेटर ने इस खबर का पूरा फायदा उठाया, इस शेयर को पूरा गिरा दिया, और शेयर गिरते ही क्या हुआ फिर से अपनी एंट्री ऑपरेटर ली, और ऑपरेटर की एंट्री साथ क्या हुआ अगर आप देखें लो से टॉप तक क्या हुआ, ये देखिए शेयर लगभग 31.98 लगभग 32% की तेजी इस शेयर में देखने को मिली है ऑपरेटर की एंट्री के बाद से। देखिए अभी इस शेयर में और भी पोटेंशियल है, कंपनी हालांकि बहुत ज़्यादा लॉस में है, कंपनी में जो है बहुत ज़्यादा कर्ज हो रखा है, लेकिन ये स्टॉक जो है पूरा खबरों से चलता है, खबरों से ये थोड़ा सा डिफेक्ट इसमें आते हैं, मान लीजिए बैड न्यूज़ आती है तो बैड न्यूज़ की वजह से इसमें गिरावट आती है, और क्योंकि ये ऑपरेटर भी स्टॉक है तो उन बैड न्यूज़ का इफेक्ट कुछ दिन तक देखने को मिलता है, और उस कुछ दिन की बैड न्यूज़ के बाद उस खबर का इम्पैक्ट के बाद ये शेयर फिर से हमें तेजी दिखाता हुआ देखने को मिलता है। और इस शेयर के साथ ये पहली बार नहीं हुआ, काफ़ी बार इस कंपनी के साथ ये चीज़ हो चुकी है, और इस शेयर के साथ ये चीज़ है काफ़ी बार हुई है, गिरावट आई है क्योंकि ऑपरेटर स्टॉक है तो ये गिरावट कुछ दिन तक रहती है और फिर से तूफान तक ये हमें शेयर आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। देखिए यही चीज़ इस बार भी हमें रिपीट होती हुई देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि इसमें हमें कल के दिन कैसी क्या जो है ट्रेड देखने को मिल सकती है, कल इसमें कैसे का हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखें इसका वॉल्यूम आज का, तो लगभग 7,53,10,388 शेयरों का हमें इसमें ट्रेड देखने को मिला है आज के दिन, और अगर आप देखें तो लगभग 45.50% शेयरों की हमें इसमें डिलीवरी भी देखने को मिली है। इसके अलावा देखिए लगभग 4,46,681 शेयरों का हमें इसमें सेलिंग साइड पर ऑर्डर भी देखने को मिल रहा है, मतलब कि अभी भी लोग इसमें सेलिंग साइड पर हमें थोड़ा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसमें आप प्रॉफिट कल थोड़ा बहुत जरूर देखने को मिल सकती है, और आपका ये नेगेटिव साइड पर कल भी देखने को मिल सकता है। अगर ये प्रेशर बढ़ता है बैंक साइड पर तो ये शेयर आपको फिर से ग्रीन साइड पर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो ये थोड़ा सा फिर से गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 32% शेयर बढ़ा है, 32% बढ़ने की वजह से इसमें हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना तेज शेयर का बढ़ना प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलती है शेयरों में, तो इसी चीज़ का हमें जो है इसमें हाल देखने को मिल रहा है। बाकी इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ अभी देखने को नहीं मिली है, बाकी मात्र इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को अभी मिल रही है। अब बात करते हैं लेवल्स की, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ पर आपको फोकस करने की जरूरत है, और आपको कौन सा आपका जो है रहेगा टारगेट। चलते हैं हम उसके चार्ट की तरफ, चार्ट पर अगर आप गौर करें तो हमने आपको लास्ट वीडियो में आपको कौन सा लेवल दिया था, 12.45 रुपये हमारा सपोर्ट था, ये सपोर्ट हमारा अभी से नहीं, काफ़ी पुराना सपोर्ट हमने आपको देते हुए आ रहे हैं, यहाँ से सपोर्ट हमने दिया था आपको, यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर देखिए सपोर्ट दिया था, यहाँ पर सपोर्ट दिया, और इसके पहले भी अगर आप देखें आपको मैं उसके पहले भी चलूँ थोड़ा सा तो आपको दिखाऊँ मैं, तो अगर आप देखें इसका सपोर्ट पहले भी कितना अच्छा था, ये 12.45 रुपये, ये देखिए यहाँ पर ये ऑलमोस्ट यहाँ पर सपोर्ट दिया था, देखिए
तो काफी इंपॉर्टेंट ये लेवल रहा है। तो हमने इसलिए आपको आपको ये लेवल बोला था कि ये अगर यहाँ सपोर्ट लेगा तो आपको काफी अच्छी अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। और देखिए हमें काफी अच्छी अपसाइड मूवमेंट फिर उसके बाद से देखने को मिली है। और जो टारगेट थे हमारा 13.45 रुपये, इसको इसने अचीव किया, 14.80 रुपये को अचीव किया, और 15.80 रुपये का जो हमारा टारगेट था उसको भी इसने हिट कर दिया। और अब इसके बाद देखिए हमें इसमें ग्रीन कलर के बाद एक रेड कलर मिलती हुई देखने को मिल रही है। तो देखिए जो भी लोग भी शॉर्ट टर्म वाले हैं तो मैं उनसे बोलूंगा कि जो भी शॉर्ट टर्म में पैसा लगाए हुए हैं, रिस्क जिन्होंने लिया था मैंने क्योंकि उनको बोला था कि जो लोग भी रिस्क ले सकते हैं वही लोग पैसा लगाएंगे, बाकी जिनका रिस्क कम है आप रिस्क नहीं ले सकते तो इस कंपनी दूर रहे। तो अगर आपने रिस्क लिया तो रिस्क से आपको पैसा भी काफी अच्छा बना है और आपने तगड़ा पैसा इससे बना लिया है, रिस्क लेने पर काफी बेनिफिट आपको हुआ है। तो अगर आपने इतनी मेहनत से पैसा बनाया तो आप अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म में पैसा लगाए हुए हैं तो आप इसमें थोड़ा सा अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलें, थोड़ा सा इसमें आप जो है अपना थोड़ा सा शेयर के पार्ट निकाल दें, बाकी की आप जो है क्वांटिटी अपनी होल्ड कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है, 100 में से आप जो है अपने 20-30 शेयर अपने निकाल सकते हैं, बाकी की क्वांटिटी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जो ये काम किसको करना है, ये काम करना है जो लोग भी प्रॉफिटेबल हैं और जिन्होंने शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया था और जिन्होंने रिस्क ले रखा है। बाकी जिनका टारगेट जो है अपना लॉन्ग टर्म के लिए, जिन्होंने अपना पैसा इसमें लॉन्ग टर्म के लगाया हुआ है, वो लोग इसको होल्ड कर लें, कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि जितना भी आपका लॉस है वो रिकवर आपको हो जाएगा। अगर आपने काफ़ी ऊपर बाइंग कर ली थी, मान लीजिए आपने 70-60 रुपये पर बाइंग कर ली थी, तब भी आप इसको होल्ड कर लें, आपका जितना लॉस है वो रिकवरी आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ दिन इसमें गिरावट देखने को मिलेगी और उसके बाद फिर से ये शेयर में 70-60 रुपये का जो लेवल है इसको अचीव करते हुए देखने को मिलेगा। आपका अगला टारगेट कौन सा है, 70-60 रुपये का ही रहेगा। और कुछ दिन इसमें गिरावट के बाद ये आपका 14-80 रुपये सपोर्ट का लेवल है, इससे सपोर्ट लेके ये आपका सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, 13.45 रुपये, ये आपके दो सपोर्ट के लेवल रहेंगे। इन दो लेवल से ये सपोर्ट लेके आपको फिर से अपसाइड मूव दिखा सकता है। इसलिए जो लोग भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं लॉन्ग टर्म वाले इसको होल्ड करेंगे, शॉर्ट टर्म वाले अभी इसमें प्रॉफिट बुक कर लें, थोड़ा बहुत अपना इसमें थोड़ा सा शेयर निकाल दें, बाकी की क्वांटिटी आप इसको होल्ड कर लें लॉन्ग शॉर्ट टर्म वाले। जिनका लॉस है, जो लोग भी लॉस में है इसमें, तो वो लोग इस भी इसको होल्ड कर लें, कोई समस्या की बात नहीं है, इसको आप होल्ड कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको जितना भी लॉस है वो रिकवर आपका हो जाएगा। बाकी जिनका जिनको लोगों को बाय करना है, बाय कहाँ पर करना है, तो आप जो है 14.80 रुपये और 13.55 रुपये, ये आपकी जो रेंज है आप इस लेवल पर आने का वेट कीजिए, इस लेवल पर आके आते ही आप इसको अपनी बाइंग कर सकते हैं। ये जो आपकी रेंज है काफी अच्छी बाइंग करने की रहने वाली है, ये जो रेंज है इस रेंज में आप इसमें अपनी बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, 14.80 रुपये से लेके 13.45 रुपये की रेंज में, ये आपकी रेंज रहेगी बाइंग करने के लिए। बाकी टारगेट हमारा अभी भी 17.60 रुपये का रहेगा। और जो लोग भी लॉस वाले होल्ड करेंगे, लॉस आपको बुक नहीं करना है, और जो लोग भी लॉन्ग टर्म वाले हैं वो भी इसको होल्ड करेंगे, शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आप जो है पार्शियल रूप से प्रॉफिट बुक अपना इसमें कर सकते हैं। बाकी रहेंगे लेवल दोस्तों, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आप डाउट कोई पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ तक का वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार नंबर बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा निवेश करने। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।